नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल, रेशमा डिज़ाइंस फ्यूल ब्यूटीफुल चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है पफ स्लीव बनाना सीखेंगे। आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो ये पफ स्लीव है लेकिन तीनों ही जो है अलग तरीके से बनाई गई है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ स्लीव का, उसके लिए मैंने पेपर पैटर्न रख लिया है इस तरह से। तो किसी भी नॉर्मल पेपर पैटर्न को आपको लेकर रख लेना है। अब वहां से मैंने जो है 2 इंच ऊपर की तरफ मार्क किया है और ये हमने स्लीव राउंड का हाफ लिया है प्लस 1/2 इंच सिलाई मार्जिन मैंने लिया है, उसे भी मार्क कर लेंगे, पिन लगा लेंगे ताकि स्लीव जो है अपने प्लेस से ही लेना। तो नीचे से मैंने एज इट इज़ लिया, ऊपर से 2 इंच और ये साइड से आर्म होल की तरफ से भी हमने जो है 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसे मार्क कर लिया। तो कोई भी नॉर्मल स्लीव आप लेकर, मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है स्लीव का पैटर्न किस तरह से बनाते हैं, आपको उसी तरह से ये बनाना है। तो यहाँ से मैंने इसका हाफ लेकर ऊपर 4 इंच पर जो है मार्क कर दिया है, ठीक है। तो आपको रखना है और इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो ये ऊपर की तरफ से जो है आपको कम ही लेना है, जैसे आपने देखा होगा मैंने यहाँ से हाफ लेकर उतना ही ऊपर ले लिया है। तो कुछ इस तरह से राउंड शेप में आना चाहिए तो ये वो जो है लुक आएगा। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसमें हम प्लेट बिठाने वाले हैं और उसे प्लीट से जो है एक डिफरेंट लुक आएगा, होगी ये पफ स्लीव की तरह ही लेकिन अलग दिखाई देगी बिल्कुल। तो अब मैंने इसे कर लिया है कट। तो सेंटर कट भी लगाना ज़रूरी है इसमें हमें, क्योंकि नीचे से जो है हम पट्टी लगाने वाले हैं करीब 1 या 1.5 इंच की। तो यहाँ से हम दे देंगे फ्रंट का शेप जो हम हमेशा देते हैं आर्म होल के फ्रंट साइड में। यहाँ पे लिख लेंगे हम फ्रंट ये है और ये बैक है। तो ये हमने ले ली है पट्टी जो मैंने आपको बताई थी कि मैं नीचे यूज़ करने वाली हूँ, इसे मैंने रखा है इस तरह से डबल फोल्ड में। तो एक तरफ 2 पट्टी लगेगी, एक से हम जॉइन करेंगे और एक से जो है उसकी फिनिशिंग करेंगे। तो इसी तरह से आपको 2 पट्टियाँ लेनी है एक हाथ के लिए। तो मैंने बराबर से इसे रख दिया है, कपड़ा में सीधा कट कर कपड़े को सीधा कट कर लेंगे हम और उसके बाद में जो है अपनी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ नीचे से करीब मैंने जो है 2 इंच पर मार्क किया है, 1 इंच हमारा तैयार होगा और 1 इंच जो है पूरा जाएगा सिलाई में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है हमने सिलाई मार्जिन के लिए, तैयार जो है ये 1 पर होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक जगह पर 2 पट्टी लगेगी, तो एक मैंने कट कर ली है फोल्ड पे, अब दूसरी भी जो है उसे ही रख कर मैं दूसरी पट्टी कट कर लूँगी फोल्ड से।
अब हमने क्या करना है, एक पट्टी लेंगे हम, दोनों राइट साइड अंदर की तरफ है और यहाँ से हम आधा इंच की सिलाई लगा देंगे। तो सेंटर पिन कर लेंगे। तो फोल्ड करके मैंने अच्छी तरह से इसे सील लिया है। अब मैंने जो है एक बेसिक पैटर्न कट किया है, इस पर ही हम स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव को रखना है कपड़े के राइट साइड पर, दोनों राइट साइड अंदर की तरफ फेस करेंगे। और लगाते वक्त हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जो दोनों फ्रंट हैं वो एक दूसरे से मैच करते हो। तो स्लीव लगाते वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो हमें ध्यान देनी होती है कि फ्रंट का शेप फ्रंट पे और बैक का आमूल जो है बैक पर ही लगे, नहीं तो वो अगर आप उल्टा सील देंगे तो वो पहनने के बाद जो है खिंचाव आता है और वो परफेक्ट फिटिंग भी नहीं जाएगी उसकी फिर। तो मैंने स्टार्ट, सेंटर और एंड तीनों जगह पर पिन लगा लिया है। तो जिस तरह से मैंने किया आपको भी वैसे ही करना है। और जो ये बीच में आप जो ये कपड़ा देख रहे हैं एक्स्ट्रा, अब इसको हमें जो है प्लीटिंग करना है। तो चार प्लीट हमें इस तरफ बैठानी है सेंटर के, और चार पिन प्लीट जो है सेंटर के उस तरफ बैठाने हैं। प्लीट्स लगाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान देना है कि जितने भी हमारे ये जो प्लेट्स हैं ये सारे जो है एक डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस वक्त आप जो देख रहे हैं, मैं ये जो प्लेट्स है अपनी तरफ लगा रही हूँ सारी, मतलब मेरे डायरेक्शन में अंदर की तरफ। तो टोटल आठ हैं प्लेट्स हमारी, चार इस तरफ और चार उस तरफ। तो सभी की जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ होने चाहिए। तो इस तरह से हमें इसे पिन कर लेना है। ठीक है, अब ये चार प्लेट्स हम इस तरफ लगा लेंगे, जिस तरफ वहाँ पर बिठाई है इसी। तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरह जो है प्लेट्स बिठा लेंगे। तो ये हमने पूरी तैयार कर ली है। अब इस पर जो है हमें आधी इंच की सिलाई देनी है, और सिलाई देने के बाद आधा इंच ये जो है बाहर से कुछ इस तरह का दिखाई देगा पफ। और चार प्लेट्स हमारी इस तरह राउंड में आएंगी। तो ये पहनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। और अगर कपड़ा, अगर कोई स्मूथ सिल्की कपड़ा हो तो ये और भी अच्छे जो है दिखाई देते हैं, वो पूरा उसका लुक आता है उतना अच्छा। कॉटन में भी ये अच्छा दिख रहा है। साइड से सिलाई करके अब मैंने इसे रेडी कर लिया है। तो ये इसका फाइनल लुक है। इसी के साथ जो हमारी जो पहली स्लीव है वो रेडी होती है, पफ स्लीव। अब दूसरी स्लीव बनाएंगे हम। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेम कोई भी एक पेपर पैटर्न आप जो है सिंपल ले सकते हैं स्लीव का। फोल्ड पर हमें ये रखना है, जो हमारा बॉटम है वो 5 इंच का है। तो ये वाला जो हम प्लेट्स लगाने वाले हैं ये भी जो है सिर्फ ऊपर की तरफ से होगा, ये जो बॉटम है हमारा वो एज इट इज़ रहेगा। तो एक पफ स्लीव होती है जो ऊपर और नीचे दोनों से उसमें एक्स्ट्रा प्लेट्स लगाए जाते हैं, ये इसमें हम सिर्फ जो है ऊपर की तरफ से लगाएंगे, नीचे का जो बॉटम है हमारे बाजू का वो सेम रहेगा। जो भी आपका मेजरमेंट आता है उसके हिसाब से हाफ लेकर आपको लेना है। तो यहाँ से मैंने जो है एक्स्ट्रा इसे बढ़ाते हुए ऊपर की तरफ से ले लिया है, और नीचे की तरफ जितना भी हमारा स्लीव राउंड है उसका हाफ हमने लिया है। ओके, ये स्लीव राउंड का हाफ हमने लिया है। तो ये 10 था, 10 का आधा पार्ट। तो अब इसे एज इट इज़ हम कट कर लेंगे, जो मार्किंग हमने की हुई है। तो हमने इसे सिर्फ जो है आर्म होल की तरफ से बढ़ाया है, नीचे बॉटम से नहीं बढ़ाया है इसे हमने। तो ये बाजू कट करने के बाद में सेम हमने जिस तरह पहले वाली स्लीव में किया था, इसमें भी हम नीचे की तरफ जो है पट्टी लगाएंगे। तो जितना भी स्लीव का बॉटम है उस हिसाब से कपड़ा रख कर हमें, जो हमारा स्लीव राउंड है 5.5 के करीब है ये, तो उतना ही हम यहाँ पर भी ले लेंगे 5.5। और इसकी जो लेंथ है वो करीब 2 इंच ले लेंगे हम। तो ये जो पट्टी है 1 इंच की तैयार होगी, आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने 2 इंच ले लिया है। तो 2 इंच की
हमें जो है दो पट्टियां कट करनी है। तो एक बाजू के लिए जो है दो पट्टी लगेंगी। ठीक है, तो ये रखकर मैं अब दूसरी पट्टी भी कट कर लूँगी। तो एक हम स्लीव के बाजू में लगाएंगे नीचे बॉटम की तरफ, और दूसरी पट्टी से हम जो है टर्न करके इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो इसलिए हमें दो पट्टी चाहिए। अगर आप दो पट्टी नहीं यूज़ करना चाहते तो आप एक ही बड़ी जो है 3 इंच की पट्टी कट कर सकते हैं, और उससे उसे जो है फोल्ड करके आप 1 इंच का रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2-2 इंच की दो पट्टियाँ ली हैं। तो इसे हमको खोलना है, और जिस तरह मैंने बताया है राइट साइड दोनों अंदर की तरफ फेस करते हुए 1/2 इंच की हम जो है रख कर इस पर सिलाई कर लेंगे। तो इसे भी हमने रेडी कर लिया है पूरा, और अब इसे मैंने गैदर्स भी कर लिया है। ये मैंने एक सिंपल पैटर्न कट करके उसका शोल्डर ज्वाइन कर दिया है। तो आपको जो सेंटर से जो स्लीव है, स्लीव का जो सेंटर है, वहाँ से जो है करीब 2-3 से 4 इंच के बीच में आपको एक कच्ची सिलाई दे देनी है, क्योंकि इसी को अब हम जो है गैदर्स करने वाले हैं। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो सब हम गैदर करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है फ्रंट आर्मोल का शेप दे रही हूँ। फ्रंट आर्मोल का हमने शेप दे दिया। अब सेम जो फ्रंट पार्ट होगा कपड़े का, तो ये मेरे कपड़े का फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट की तरफ फ्रंट को रखते हुए सेम इसमें भी हम जो है तीनों तरफ पिन लगा लेंगे, सेंटर में और दोनों कोनों में, और बीच में जितना भी एक्स्ट्रा बचेगा उसे हम जो है खींचते हुए, ये जो हमने कच्ची सिलाई दी है गैदर्स करने के लिए, तो उसे खींचते हुए हम जो है इसे तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पर ये ऑप्शनल है, अगर आप गैदर्स करना चाहते हैं तो गैदर्स कर सकते हैं, या फिर जो है जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट्स बना सकते हैं। तो दोनों ही अलग लुक देते हैं, पफ दोनों में आएगा, लुक दोनों के दोनों थोड़े से अलग होंगे। तो यहाँ पर मैं जितना भी एक्स्ट्रा है खींच कर उसका गैदर्स कर लूँगी। तो एक धागा पकड़ के हमने खींचा, गैदर कर लिया इसे, और अब इसे हम सिंपली सील देंगे और स्लीव हमारी जो है रेडी हो जाएगी। तो ये हमने 1/2 इंच की सिलाई भी लगा दी, और बाहर की तरफ से जो है बिल्कुल क्यूट सा छोटा सा पफ निकल कर आया है। तो ये मैंने साइड से स्लीव की जॉइनिंग भी कर दी है। अब टर्न करके सामने से मैं आपको इसे दिखाऊंगी। तो इसका लुक कुछ इस तरह का है। अगर आप चाहते तो और गैदर्स कर सकते थे। अब ये मेरी स्लीव की जो है थर्ड में, ये अब हम तीसरी स्लीव जो है कट करने वाले हैं। तो अब हम करेंगे हमारी तीसरी स्लीव की कटिंग। इसमें भी हमें जो है नॉर्मल स्लीव पैटर्न लेना है, और सेंटर से जो फोल्ड है वहाँ से आप देखेंगे मैंने एक्स्ट्रा इंचेस लिए हैं। तो ये हमारी तीसरी स्लीव है। दूसरे वाले में आपने देखा था कि सिर्फ बॉटम से हमने जो है उसे ऊपर से गैदर्स किया था। अब यहाँ पर जो हम स्लीव बनाने वाले हैं उसमें बॉटम और स्लीव के आर्म होल दोनों पर ही जो है हम, या तो आप गैदर्स कर सकते हैं या प्लेट लगा सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, आप जितनी प्लेट्स लगाना चाहते हो उस हिसाब से सेंटर जो है फोल्ड की तरफ से आप एक्स्ट्रा कपड़ा ले लीजिए जिस तरह से मैंने लिया है, और उस फोल्ड से आगे रख कर आपको जो भी स्लीव पैटर्न है वो कट कर लेना है। ये कट्स लगाना ना भूलें, क्योंकि जब आप इसे ज्वाइन करेंगे इसमें प्लेट्स लगाएंगे तो हमें पता होगा कि हमारी प्लेट्स जो है यहाँ से यहाँ तक होने वाली है, तो उससे प्लेट्स बनाने में आसानी हो जाएगी। तो सेम इसमें भी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी मैं 1 इंच की पट्टी लगाने वाली हूँ बाजू के बॉटम से।
तो जितना भी हमारा स्लीव राउंड है उसके अकॉर्डिंग हमें ये पट्टी कट कर लेनी है, क्योंकि इसी पट्टी पर हम हमारा जो स्लीव का बॉटम है उसे बिठाएंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हमारा प्लेट्स हो जाएगा या फिर गैदर्स लग जाएंगे उसमें। तो जो भी आपका स्लीव राउंड है उसके अकॉर्डिंग प्लस जो भी मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो पट्टी है वो तैयार करनी है, कट करनी है। सपोज़ अगर स्लीव राउंड 10 है तो 10 का हाफ 5 होता है प्लस सिलाई मार्जिन, तो उतना ही फोल्ड करके आपको ये दो पट्टियाँ कट कर लेनी है, जिसकी इसकी भी लेंथ 2 इंच ही रखी है हमने। तो यहाँ से भी हमने फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया है। सेम उसमें भी हम, तो इसमें देखिए मैंने सबसे पहले मैंने दोनों जो स्लीव थे उसमें ये जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी कट की थी वो लगा ली थी, पर इसमें हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें हमें जो भी एक्स्ट्रा है, जिस तरह हम आर्म होल की तरफ से एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है उसे या तो प्लेट्स लगा रहे हैं या गैदर्स कर रहे हैं, तो बॉटम में भी हमें सेम चीज़ करनी है। तो यहाँ पर भी मैं दोनों तरफ और सेंटर में पिन लगा लूँगी, और ये जो बचा हुआ बीच का कपड़ा है और जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया है, हमने कट लगाया हुआ है, तो उस कट तक जितनी भी एक्स्ट्रा प्लेट्स आती है 3, 4, 5, आपने जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उस हिसाब से आपको प्लेट्स लगा लेनी है। तो इन सब के डायरेक्शन एक तरफ ही है, एक दूसरे को फेस करते हुए नहीं है, एक डायरेक्शन में हमने ये प्लेट्स बिठाए हैं। अब मैं नीचे से क्या करूँगी, यहाँ से भी मैंने सेंटर कट कर लिया है। सेम चीज़ हम करेंगे राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए सेंटर से सेंटर पिन करेंगे, दोनों साइड्स पिन करेंगे, और बीच में जितना भी कपड़ा बचेगा उसके हमें जो है प्लेट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो छोटी छोटी चीज़ें हम जब चेंजेस करते हैं तो उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में जो है अलग अलग लुक आ जाता है। तो यहाँ पर हमने नीचे भी प्लेट्स लगा ली है, जो डायरेक्शन आपने ऊपर रखा है आमूल की तरफ सेम आपको जो है नीचे भी रखना है। तो इस स्लीव की स्टिचिंग भी जो है बिल्कुल सेम ही थी, मैंने आपको मेथड बता दिया था। तो सिलने के बाद ये कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। तो ये है इसका फाइनल लुक तीसरी स्लीव का। तो एक ही वीडियो में मैंने जो है आपको 3 तरह की स्लीव्स बनाकर दिखाई है, तीनों ही पफ स्लीव है, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंट लुक है, छोटे छोटे चेंजेस करके ये बने हुए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। डू शेयर एंड सब्सक्राइब।